हाय एवरीवन वेलकम टू ओनली आई एस चैनल मेरा नाम संतोष है एज यू नो कि हम लोग अभी जियोग्राफी ऑप्शनल के प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चन हैं उनको डिस्कस कर रहे हैं जियो मोर्फोलॉजी के जितने भी क्वेश्चन हैं उनको हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं दिस इज टुडे वी आर स्टार्टिंग विद अ पार्ट ऑफ द क्लाइमेटोलॉजी क्लाइमेटोलॉजी में स्टार्ट करने से पहले दो तीन चीजें क्लाइमेटोलॉजी में काफी सिंपल एंड स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन आते हैं टॉपिक जो सिलेबस में दिया हुआ है उससे बाहर क्वेश्चंस नहीं आते हैं बट देर आर सर्टन टॉपिक्स जिनमें से बहुत रिपीटेशन के अंदर क्वेश्चंस आते हैं जैसे कि कॉपन एंड थर्नवाट के डिफरेंसेस क्या हैं जैसे कि टेम्परेट साइक्लोन एंड ट्रॉपिकल साइक्लोन का ओरिजिन कैसे होता है पोलर फ्रंट कैसे बनता है और दोनों में डिफरेंसेज क्या हैं एयर मैसेज क्या होते हैं उनका डिफरेंस क्या है इंसोलेशन क्या होता है टेम्परेचर इन्वर्जन क्या होता है इंडिया का मॉनसून अल दिनों से कैसे इम्पैक्ट होता है एंड एटमोस्फिर सर्कुलेशन क्या है और उसकी इंपॉर्टेंस क्या है दीज आर सम ऑफ द टॉपिक्स एंड ऑल्सो क्लाइमेट चेंज दीज आर सम ऑफ द टॉपिक जिन पे रिपीटेशन के अंदर क्वेश्चन आया है तो वन बाय वन हम क्वेश्चन को डाइसेक्ट करेंगे बट दिस टाइम वी आर डूइंग इट एग्जाम्पल अगर हम एटमोस्फेरिक सर्कुलेशन में अभी तक पिछले पंद्रह सालों में जितने भी क्वेश्चन आए हैं कि इनको किस तरीके से सोल्व करना है बट बिफोर वी गो लेट जस्ट है लुक एट दिलेबस सिलेबस से बाहर क्वेश्चन नहीं पूछा गया है सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट की वी डू ईच एंड एवरी टॉपिक विच इज मैंबस टेम्परेट एंड टेम्परेचर सॉरी टेम्परेचर एंड प्रेशर बेल्ट ऑफ द वर्ल्ड हमारा जो इक्वेटोरियल लो है सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर है सब पोलर लो प्रेशर है या पोलर हाई प्रेशर है वहाँ पे क्या टेम्परेचर है किस तरीके से हमारा हीट बजट बनता है और प्रेशर बेल्ट कैसे बनते हैं उसके साथ में उसके साथ में एटमोसफेरिक सर्कुलेशन कैसे होता है इन सब की बात करेंगे हम ओके इसके साथ में हीट बजट ऑफ द अर्थ है जैसे कि हमारा ट्रॉपिकल एरिया जो है वहाँ पे सोलर इंसोलेशन कंपेरेटिवली ज्यादा परसेंटेज के अंदर फॉल होता है तो हीट बजट कैसे है कहाँ पे हीट सरप्लस है कहाँ पे हीट डिफिसिट है किस तरीके से स्कैटरिंग होती है कितनी सोलर इंसुलेशन आती है और कितनी अर्थ टेरिस्टल रेडिएशन के साथ इसको रीइमिट करती है एटमोस्फेरिक स्टेबिलिटी एंड इनस्टेबिलिटी क्या है इनका क्या इम्पैक्ट पड़ता है टरी एंड लोकल क्या है प्लेनेट्री विंड के अंदर हम ट्रेड विंड ईस्टर्ली ट्रेड विस्टर्ड साउथ ईस्टर्ली ट्रेड विंड के बारे में बात करते हैं है, है. है, ये हमारा पेपर टू के अंदर फिजिकल सेटिंग ऑफ इंडिया के अंदर भी है

ग्लोबल क्लाइमेट चेंज एंड उसमें रोल एंड रिस्पॉन्स ऑफ द मैन देखो दोनों चीजें हैं मैन का रोल क्या है और मैन का रिस्पॉन्स क्या है दोनों चीजों के बारे में पूछा गया है अप्लाइड क्लाइमेटोलॉजी एंड अर्बन क्लाइमेट इनमें से पिछले कुछ सालों के अंदर नंबर ऑफ क्वेश्चन काफी ज्यादा आने स्टार्ट हो गए हैं अप्लाइड जियोमार्फोलॉजी जो जियोमार्फोलॉजी के अंदर टॉपिक है एंड अप्लाइड क्लाइमेटोलॉजी दीज आर वन ऑफ द मोस्ट इग्नोर्ड टॉपिक बट येट नाउ इट इज इट इज वन ऑफ द मोस्ट आस्ट टॉपिक ऑल्सो जैसे कि क्वेश्चंस ऑन एटमॉस्फेरिक सर्कुलेशन है पहला क्वेश्चन देखिए डिस्कस इन डिटेल द ट्राई सेल्यूलर मॉडल ऑफ एटमॉस्फेरिक सर्कुलेशन 2019 में सवाल आया था ट्राई सेल्यूलर मॉडल जो है इसको डिटेल में डिस्कस करना है ऑल एक्सप्लेन द मेरीडोनियल एक्सप्लेन द मेरीडायोनल सर्कुलेशन ऑफ द एटमोसफियर एंड इज इंपॉर्टेंस इन दर्ल्ड क्लाइमेट सेम क्वेश्चन है ट्राई सेल्यूलर यह देखो ट्राई सेल्यूलर मेरी डायोनल सर्क्यूलेशन एक ही टर्म है इसी को डिवाइड करके पूछा 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 गया है चाहे चाहे आपसे आपसे जाए आप circulation पूछा जाए मेरी इट इज द सेम थिंग अगेन इंपॉर्टेंट ये आता है कि बनता कैसे है इसकी मैकेनिज्म क्या है विच इज अगेन सेम थिंग कि डिटेल में लिखो या डिस्कस करो ऑल दीज थिंग्स आर सेम और इसके साथ में है कि इसकी इंपॉर्टेंस क्या है इंपॉर्टेंस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू नो क्योंकि ये क्या करता है ये हीट एंड वाटर को सर्कुलेट करने के अंदर एंड प्लस देर आर अदर एडवांटेजेस आल्सो उनको करने में बहुत हेल्प करता है तो हम लोग एक बार देख लेते हैं फटाफट से क्विकली आई एम गोइंग टू रिवाइज यू कि इस क्वेश्चन का आंसर आपको कैसे करना है जब आपके पास इस तरह का क्वेश्चन आए तो सबसे पहले आप लिखोगे कि ट्राई सेल्युलर या मेरी, मेरी डायोनल सर्कुलेशन होता क्या है तो आप इसमें लिखोगे कि इस तरीके से अर्थ के अंदर के अंदर इस तरीके से तीन सेल बनती डिपेंडिंग अपॉन दी इक्विटोरियल लो एरिया दिस इज इक्विटोरियल लो एरिया दिस इज सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर एरिया सब पोलर लो प्रेशर एरिया एंड पोलर हाई एज वी नो वेरी बेसिक कॉन्सेप्ट कि जो विंड है वो हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ मूव करती है राइट right. और जब हवा गर्म होती है जो वार्म एयर होती है वो हमेशा ऊपर की तरफ उठती है जब ये हवा ऊपर की तरफ उठेगी विच मीन्स नीचे एक वैक्यूम क्रिएट हो गया है इस वैक्यूम को फिल करने के लिए हाई प्रेशर से जितनी भी हवा है वो रश करती हुई लो प्रेशर एरिया की तरफ आती है तो यहाँ पे विंड का कन्वर्जेंस होता है टू टर्म्स कन्वर्जेंस एंड डाइवर्जेंस वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कन्वर्जेंस का मतलब दोनों आके मिल रही है जियोमोरफोलॉजी के अंदर हम दो टर्म टेक्टोनिक प्लेट के अंदर यूज करते हैं Convergent and divergent तो क्या हो रहा है कन्वर्जेंस हो रहा है कन्वर्जेंस होकर यहाँ पे वॉर्म होकर हवा ऊपर उठती है विच मीन इट क्रिएट अ लो प्रेशर एरिया हियर तो ये एक सिंपल uh, टर्मिनोलॉजी है कि अगर नीचे अगर लोअर सरफेस पे क्या हो रहा है हवा इकट्ठी हो रही है एंड यहाँ पे डाइवर्जेंस हो रहा है जिसकी वजह से मेरा यहाँ पे हाई प्रेशर एरिया क्रिएट हो रहा है तो अगर ऑन द सर्फेस इट इज अ लो प्रेशर एरिया ट्रोपोस्फेर ये क्या होगा अगर नीचे लो प्रेशर है ऊपर हाई प्रेशर हो जाएगा अगर नीचे हाई प्रेशर है तो ऊपर लो प्रेशर हो जाएगा इसको बिल्कुल होता है ठीक है ओके तो ये चीज अगर समझ में आ गई है तो अब देखो कि होता क्या है एटमॉस्फेरिक सर्कुलेशन जो है ये जनरली इसको आ, 1735 के अंदर जॉर्ज हेडली थे इन्होंने स्टार्ट करा था तो सबसे पहले एक यूनि सेल्युलर मॉडल ऑफ थर्मल सर्कुलेशन आया था जो नॉन रोटेटिंग अर्थ पे था फिर थर्मल सर्कुलेशन आया जो रोटेटिंग अर्थ पे था तो जब थर्मल सर्कुलेशन का मतलब थर्मल इज टेम्परेचर विच मींस टेम्परेचर वेरिएशन की वजह से बता रहे हैं तो इन्होंने बताया कि अगर मैं अगर सोलर इंसुलेशन की बात करूं तो मेरा जो ट्रॉपिक्स एरिया है पार्डन में फॉर दिस डायग्राम लाइट नाउ तो मेरा जो ट्रॉपिकल एरिया है यहाँ पे सोलर इंसुलेशन सबसे ज़्यादा होता है विच मीन्स कि यहाँ पे मेरा टेम्परेचर काफ़ी ज़्यादा होगा विच मीन्स कि मेरा ऑन द सर्फेस यहाँ पे ऑन द सर्फेस मेरा लो प्रेशर एरिया क्रिएट होगा जो

असेंड करेगा हवा ऊपर उठ रही है हवा ऊपर उठेगी और ये पोलर एरिया की तरफ जाएगी जहाँ पे ये डिसेंड करेगी और फिर हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ इस तरीके से एक हवा चलेगी तो ये इन्होंने एक यूनिसेल्युलर मॉडल दिया था एक ही मॉडल था और ये क्योंकि हेडली ने दिया था तो इसका नाम हेडली सेल रख दिया गया था बट विद फर्दर रिसर्च ये लगा कि नहीं दिस इज नॉट द राइट वे यहाँ पे हम दो रीजन है सब ट्रॉपिकल High and sub -polar low area, इनको हम छोड़ रहे हैं यहाँ पे ट्राई सेल्यूलर जनरल सर्कुलेशन ऑफ एटमोसफियर बनता है तो दिस आई ऑलरेडी टू यू कि किस तरीके से इन्होंने बताया कि एक ही कन्वेक्टिव सेल बनेगा नाउ फेरल आए तो फेरल ने बोला कि आई डू नॉट अग्री विद योर सिंगल थर्मल डायरेक्ट सेल इन्होंने बोला कि तीन चीजें बनेगी एक तो आप जो हेडली बात बोल रहा है ना इक्वेटर एरिया पे हवा असेंड होगी लो प्रेशर एरिया की वजह से और आप जो बोल रहे हो कि पोलर एरिया पे हवा डिसेंट होगी हाई प्रेशर एरिया की वजह से आई टोटली अग्री विद दैट बट इन बिटवीन समवेयर हियर एट द थर्टी डिग्रीज एंड एट द 60 डिग्रीज देर इज समथिंग एल्स ऑल्सो उन्होंने बोला कि यहाँ पे थर्टी टू सिक्सटी डिग्री थर्टी डिग्री टू सिक्सटी डिग्री यहाँ पे बीच में एक थर्मल थर्मली इनडायरेक्ट फेरल सेल बन रही है दट फेरल सेल इज अगेन यहाँ पे हाई प्रेशर है यहाँ पे लो प्रेशर एरिया है एंड देन अगेन हाई प्रेशर एरिया है तो इस तरीके से ये तीन सेल बना रहा है इसको इन्होंने तीन सेल को अलग अलग नाम दिया था पहली सेल को इन्होंने बोला था ट्रॉपिकल मेरी सेल ट्रॉपिकल मेरी डायोनल सेल विच मीन्स कि इट इज़ इन टू दी ट्रॉपिकल एरियाज विच मीन्स कि यहाँ पर जो इक्वेटर एरिया है यहाँ से हवा असेंड हो रही है यहाँ पे क्या है इक्वेटोरियल एरिया के अंदर 365 डेज सोलर इंसोलेशन रहता है Which means यहां पे हवा गर्म रहेगी एंड यहाँ पे जो ओशन वाटर है वो इसको मॉइस्ट भी रखेगा विच मीन्स मोइस्ट वार्म एयर है जब मोइस्ट वार्म एयर ऊपर की तरफ उठेगी क्या हो रहा है हमने ओनली आई एस पे ऑलरेडी कुछ यूट्यूब के वीडियोस डाले जिनमें हमने टाइप्स ऑफ प्रेसिपिटेशन के बारे में बात करी है एंड दिस होल थिंग दिस क्लाइमेटोलॉजी टू टेल यू की वी आर ऑल्सो हैविंग अ कोर्स ऑन जियोग्राफी जिसके अंदर हमने ये सारी चीज़ें डिस्कस करी है इन अ वेरी वेरी लेवन लैंग्वेज कि किस तरीके से डिफरेंट सर्क्युलेशन एटमोस्फेरिक सर्क्युलेशन होते हैं तो uh, उसका जो ऑप्शनल का लिंक है यू कैन सर्च इट ऑन द गूगल और यू कैन फाइंड इट इन द डिस्क्रिप्शन लिंक ऑल्सो वी विल पुट इट इन द डिस्क्रिप्शन लिंक तो आप ज्वाइन कर सकते हो एक्चुअली इफ यू इफ यू नीड टू डेवलप बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ योर ऑप्शनल ओके तो um, यहाँ पे क्या हो रहा है हवा ऊपर की तरफ जब उठ रही है तो ये लेटेंट हीट ऑफ कंडेंसेशन को रिलीज कर रही है जब लेटेंट हीट ऑफ कंडेंसेशन को रिलीज करेगी विच मींस और ज्यादा गर्मी होगी हवा थोड़ी और ऊपर उठेगी और यहाँ पे ये क्यूमिलोनिमस क्लाउड्स को फॉर्म करती है जो यहाँ पे थ्रू आउट द ईयर बारिश करते हैं एंड दैट इज वन ऑफ द रीजन की हमारे ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट एवरग्रीन रेन फॉरेस्ट विच आर द लंग्स ऑफ द अर्थ आर एट द इक्वेटोरियल एरिया ओके देन दिस इज अवर सब ट्रॉपिकल एंड इज अवर हेडलेस सेल ओके सेल हेडलेसल इज मूविंग फ्रॉम दी फाइव डिग्री जीरो डिग्री टू थर्टी टू थर्टी फाइव डिग्री नॉर्थ एंड साउथ ये दोनों नॉर्थ एंड साउथ पोलर एरिया के अंदर है अच्छा यहाँ पे हमारी दो चीजें और बनती है इक्वेटर एरिया पे एक तो हमारे डोल ड्रम्स बनते हैं और एक हमारा आई टी सी जेड बनता है ITCZ ITCZ भी हमने करके रखा है। ITCZ is inter -tropical convergence zone, which means दोनों से जो हवाएं आ रही है, इसको ये क्या कर रहा है? कर रहा रहा है? है, दोनों हवाएं आके कन्वर्ज होकर ऊपर की तरफ उठती है All right, so this is first cell, cell. फिर फेरल ने बोला कि दो है जो डायनामिकली इंड्यूस्ड सेल्स हैं। हमने कहा डायनामिकली इंड्यूस्ड क्या है तो इन्होंने बताया कि देखो जो हवा इक्वेटर एरिया से ऊपर उठी डाइवर्ज हुई अब वो कहीं तो जाएगी तो रेदर देन डायरेक्टली गोइंग टू द पोलर एरिया जो यूनि सेल्यूलर में बता रहा था ये क्या कर रही है यहाँ पे 30 डिग्री के आसपास में सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर एरिया है जहाँ पे हवा डिसेंड कर रही है यहाँ पे हाई प्रेशर एरिया क्रिएट कर रही है तो यहाँ पे हाई प्रेशर एरिया क्रिएट क्यों हो रहा है हमने पूछा तो उन्होंने बोला कि अभी बात कंप्लीट नहीं हुई है सुनो आगे तो हमने कहा ओके तो इन्होंने बोला कि अराउंड 60 डिग्रीज पे यहाँ पे एक पोलर फ्रंट मिड लैटिट्यूडनल लो प्रेशर एरिया क्रिएट हो रहा है यहाँ पे थर्ड 60 डिग्रीज के आसपास में ये 60 डिग्रीज वाला एरिया लो प्रेशर एरिया है और ये क्यों हो रहा है बिकॉज़ ऑफ द रोटेशन ऑफ द अर्थ इस रोटेशन ऑफ द अर्थ की वजह से यहां पे वार्म एयर राइज़ हो रही है व्हिच इज अगेन डाइवर्जिंग टुवर्ड्स द इक्वेटर एंड टुवर्ड्स द पोलर एरिया पोलर एरिया वाली एयर क्या करेगी यहाँ पे नॉर्थ पोल पे तो एनीवेज हाई प्रेशर है हवा डिसेंट करेगी तो यहाँ पे डिसेंट हो जाएगा वेर इज जो हवा इक्वेटर की तरफ जा रही है रेदर देन रीचिंग टू दी इक्वेटोरियल एरिया ये यहाँ पे जो सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर एरिया है यहाँ पे डिसेंट कर जाती तो इक्वेटर से आने वाली हवा और सब पोलर लो प्रेशर से आने वाली हवा यहाँ पे अराउंड थर्टी डिग्रीज के आसपास में आपस में टकराती है और वो नीचे की तरफ डिसेंड करती है दैट इज द डायनेमिकली इंड्यूस्ड अनदर सेल 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 जिसको हमने फेरल नाम दिया था एंड सबसे ऊपर वाली जो है पोलर सेल है इज सिंपल तो आपको क्या करना है इस आंसर में मैंने आपको थोड़ा सा डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन दिया है आपको क्या करना है इसमें सिंपल एक्सप्लेन करना है डायग्राम बनाना है और आपको बताना है कि कहाँ पे इक्वेटोरियल लो है ठीक है कहाँ पे सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर एरिया है कहाँ पे सब पोलर लो प्रेशर है और कहाँ पे पोलर हाई प्रेशर एरिया है इनमें से ये दो डायनेमिकली इंड्यूस्ड हैं एंड इक्वेटोरियल एंड पोलर जो है ये थर्मली इंड्यूस्ड है तो किस तरीके से लो प्रेशर से हवा कन्वर्ज होकर डाइवर्ज होती है और यहाँ पे हाई प्रेशर से नीचे की तरफ डिसेंट होती है। नहीं बट कैन वी टेक इट लाइटली नो क्रिटिसिज्म में क्या लिखेंगे दो तीन चीजें हैं आप ये सविंदर सिंह की बुक से पढ़ोगे यू विल फाइंड इट एग्जैक्टली इन्होंने बोला कि यार ये आप जो बोल रहे हो ना कि थर्मली इंड्यूस्ड है आई फाइंड इट वेरी डाइसी थर्मली इंड्यूस्ड का मतलब है कि टेम्परेचर बहुत हाई होगा इज दैट इवन पॉसिबल दैट इज नॉट पॉसिबल आप बोल रहे हो कि पोलर एरिया पे टेम्परेचर बहुत कम है इक्वेटोरियल एरिया पे बहुत ज्यादा होगा तो ऐसा भी नहीं है कि बहुत ज्यादा है क्या बहुत ज्यादा भी नहीं है तो आपको थोड़ा सा क्रिटिसिज्म देखना है हालांकि पूछा नहीं गया है बट इसमें चार पांच ही पॉइंट्स हैं आप एक बार देख लेना देन इंपॉर्टेंस वेरी इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंस क्या है एक तो क्या हो रहा है कि ये इक्वेटोरियल एरिया पे जो हीट है इसको पोलर एरिया की तरफ लेके जा रहा है पोलर एरिया पे जो कोल्डनेस है इसको इक्विटोरियल एरिया की तरफ लेके आ रहा है तो ये हीट रीडिस्ट्रीब्यूशन कर रहा है इसके साथ ही में जब हीट के साथ में जो मॉइस्चर है वो तो भी ये रिडिस्ट्रीब्यूट कर रहा है एटमोसफियरिक सर्कुलेशन के साथ में जो ओशन करंट है मेरी वो चलती है एंड ये जो वर्ल्ड के डिफरेंट क्लाइमेट हैं उनको ओरिजिनेट करता है एंड बाकी जो हमारे लोकल वेदर कंडीशन होती हैं दे ऑल्सो आर इन्फ्लुएंस्ड बाई दिस हमारी जो जेट स्ट्रीम्स हैं दे रन बाई दिस अभी हम आगे देखेंगे जेट स्ट्रीम्स भी इम्पैक्ट ऑफ क्लाइमेट चेंज ऑन एटमोस्फिर सर्कुलेशन द क्वेश्चन हैज नॉट बीन आस्ड ऑन दिस टॉपिक कि इस पे एटमोस्फिर सर्कुलेशन पे क्लाइमेट चेंज का क्या इम्पैक्ट है बट आई एम गिविंग यू दिस अनदर पॉइंट यूपीएससी इज ब्रिंग न्यू क्वेश्चन ये एक छोटा सा टॉपिक है प्लीज इसको देख लेना क्लाइमेट चेंज का एटमोस्फेरिक सर्कुलेशन पे क्या इम्पैक्ट बढ़ रहा है इसका डेफिनेटली इम्पैक्ट बढ़ रहा है क्योंकि सोलर इंसोलेशन तो हालांकि उतना ही है लेकिन टेम्परेचर हाई की वजह से मोस्चर लेवल इंक्रीज हो रहा है द प्रेशर बेल्ट आर शिफ्टिंग जस्ट है लुक एट दिस राइट तो ये तो हमारा एक हो गया सेकेंड हमारा क्वेश्चन है डिस्कस द फोर्सेस विच गवर्न द एयर मूवमेंट ऑन द अर्थ सर्विस वेरी सिंपल इट्स वेरी वेरी सिंपल क्वेश्चन एक तो हम बात करते हैं प्रेशर ग्रेडियंट की तो आपको क्या लिखना है आपको सिंपल स्ट्रेट फॉरवर्डली क्वेश्चन स्टार्ट करना है कि दी द विंड मूव फ्रॉम हाई प्रेशर टू लो प्रेशर एरिया बट दीज आर द फॉलोइंग फोर्सेज जिनसे अर्थ पे अर्थ पे जो एयर का मूवमेंट है वो गवर्न होता है तो हम इसमें बात करेंगे

कोरोलियस फोर्स क्या होता है अर्थ के रोटेशन की वजह से जो फोर्स लगता है अर्थ जब तेजी से रोटेट करती है तब वो हवा को डिफ्लेक्ट करती है विच मीन्स मैं इसको अगर मानूं, तो हवा अगर नदन हेमिस्फेयर के अंदर है तो ये अपनी राइट right डायरेक्शन में डिफ़्लेक्ट हो जाएगी और अगर ये सदर हेमस्फेयर के अंदर है तो ये अपनी लेफ्ट डायरेक्शन में डिफ्लेक्ट हो जाती है इसके बारे में भी हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं एंड दिस थिंग वी हैव वेरी ब्यूटिफुली एक्सप्लेन इन टू अवर ऑप्शनल कोर्स ऑल्सो हमारा जो फाउंडेशन ऑप्शनल कोर्स है इट इज़ नॉट ओनली फॉर दी स्टूडेंट्सार्टिंग फ्रॉम जी बट ऑल्सो फॉर द स्टूडेंट्स जो एडवांस स्टडी करना चाह रहे हैं या फिर जो रिविजन के लिए भी अगर वापस कोर्स को परचेज करना चाह रहे हैंटली यू कैन टेक दिस कोर्स तो सेकेंड हो गया थर्ड हो गया हमारा फ्रिक्शनल फोर्स जिसको हम बोलते हैं हवा की रगड़ से जो हवा में रुकावट आ रही है जब हवा सरफेस पे चल रही है तो क्या हो रहा है कि बिल्डिंग आ रही है बीच में पेड़ पौधे आ रहे हैं पहाड़ आ रहे हैं हवा पे फ्रिक्शन लग रहा है फ्रिक्शन की वजह से हवा की स्पीड कम हो रही है घर्षण बल की वजह से लेकिन अगर ये अपर एयर में चली जाती है अपर ट्रपोस में चली जाती है जहाँ पे इस तरह की कोई रुकावट नहीं है व्हाट हैपेंस हवा में किसी भी तरह का रुकावट नहीं आता है एंड हवा कंटिन्यूसली चलती रहती है तो फ्रिक्शन वहां पे जीरो हो जाता है एंड हवा बहुत तेजी से चलती है ठीक है वेरी सिंपल क्वेश्चन आपको इसमें फोर्सेज लिखने हैं डायग्राम बनाना है प्रेशर ग्रेडियंट का एंड फ्रिक्शनल का, का कि किस तरीके से अपर ट्रोकोस्फेर के अंदर जो मूवमेंट ऑफ वेलोसिटी ऑफ विंड है वो आइसोबार्स के पैरल के अंदर हो जाता है बिल्कुल पैरल ही वो चलते हैं ठीक है

जेट का मतलब क्या होता है हम बोलते हैं अरे देखो जेट जा रहा है एक बहुत स्पीड दिखाई देता है जेट स्ट्रीम क्या हुई बहुत तेजी से चलती हुई 180 किलोमीटर पर आर के हिसाब से चलती हुई एक नेरो बेल्ट ऑफ एयर है जो पूरे जो पोलर एरिया है इसमें चारों तरफ इस तरीके से चक्कर लगाती है नेरो बेल्ट के अंदर और बहुत बहुत तेजी से घूमती है ये तो ये एक स्ट्रॉन्ग रैपिडली मूविंग सर्कम पोलर ये की वर्ड है इसके अपर एयर वेस्टर्ली जो वेस्ट से ईस्ट डायरेक्शन के अंदर मूव करती है ये ऐसी विंड है हमारी right. uh, देखो इस तरीके से ये वेस्टर्ली ये यहाँ पे जेट स्ट्रीम जो है ये ट्वेंटी डिग्री नॉर्थ एंड साउथ से लेके हमारा जो पोलर है वहां तक एरिया वहां तक चलती बिल्कुल एक्जैक्टली ऊपर पोलर एरिया तक नहीं जाती है ये तो इसके बीच में uh, मेरी जेट स्ट्रीम चलती है देर आर डिफरेंट टाइप ऑफ द जेट स्ट्रीम बट उसके पहले एक बार देखो कि जेट स्ट्रीम की प्रॉपर्टीज क्या होती है जेट स्ट्रीम के अंदर डायरेक्शन वेस्ट टू ईस्ट हो गया ये ऐसे लेंथ वाइज अगर आप देखो तो पूरे ग्लोब का चक्कर लगा रही है तो इसकी लेंथ थाउजेंड्स ऑफ किलोमीटर्स के अंदर होती है इसकी जो विथ है कितनी चौड़ी होगी ये हंड्रेड्स ऑफ किलोमीटर के अंदर होती है एंड इसकी जो डेप्थ है कि ये नीचे एटमॉस्फेयर में सरफेस तक कितना इम्पैक्ट कर रही है दैट इज जस्ट टू टू फाइव किलोमीटर होती है विच मीन्स कि ये हवा से लगभग पंद्रह बीस किलोमीटर तेरह किलोमीटर ऊपर है सरफेस से और सरफेस से मतलब यहाँ पे ये इतनी चोरी होगी लगभग कि दो से 5 किलोमीटर ये इतनी डेप्थ के अंदर होती है हंड्रेड्स ऑफ किलोमीटर चोरी होती है और पूरे सरकम पोलर एरिया में लगाती है आर टू वर्ड वर्टिकल एंड लेटरल विंड शेयर क्या होता है वर्टिकल विंड शेयर जो जेट स्ट्रीम का होता है वो एटीन टू थोर्टी सिक्स किलोमीटर होता है विच मीन्स जेट स्ट्रीम के जस्ट नीचे हवा अगर ओके लेट मी एक्सप्लेन इट अगर ये मेरी जेट स्ट्रीम है ठीक है तो अगर जेट स्ट्रीम का वेलोसिटी मेरा लेजस um, से कि okay, 60 किलोमीटर से ओके 60 किलोमीटर पर लेजे से 160 किलोमीटर पर आर के हिसाब से चल रही है तो इसके ये जो पाँच किलोमीटर का डेप्थ है इसके जस्ट नीचे यहाँ पे माइनस एटीन टू थर्टी सिक्स डिग्री हो जाएगा

हमारी ट्रॉपिकल ईस्टर्ली जेट स्ट्रीम का ऑनसेट होता है तब हमारा मानसून आने वाला होता है ओके सब ट्रॉपिकल वेस्टर्ली जेट स्ट्रीम हमारा जो एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल साइक्लोन या जो वेस्टर्न है इनको लेके आते हैं ट्रॉपिकल ईस्टर्ली जेट स्ट्रीम जो इंडिया एंड अफ्रीका के अंदर मानसून को लेके आती है पोलर नाइट जेट स्ट्रीम इसको हम स्ट्रेटोस्फेरिक जेट स्ट्रीम भी बोलते हैं ये स्ट्रेटोस्फेयर के अंदर मिलती है जो हम बोलते हैं ना कि जो ओजोन है हमारा ओजोन ओजोन का डिप्लीशन की वजह से डिप्लीशन हो रहा है ओजोन लेयर का डिप्लीशन हो रहा है दैट इज ऑल्सो योर सिंग इन टू दी अंटार्टिका रीजन हम बोलेंगे भाई अंटार्टिका में कौन सी इंडस्ट्री थी तो वहां पे ओजोन कैसे पहुंचा वहां पे कैसे जो ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंस है वो पहुंचा इसी की वजह से पोलर नाइट जेट स्ट्रीम जिसको हम सब स्ट्रेटोस्फेरिक हाँ स्ट्रेटोस्फेरिक जेट स्ट्रीम बोलते हैं देन वी हैव दी लोकल जेट स्ट्रीम जो लोकल इंपैक्ट से होती है ठीक है आर द डिफरेंट टाइप्स then we have the index cycle of the jet stream index cycle क्या होता है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट यहीं पे रोज wave वेव का concept आता है यहाँ पे देखो रोज बी वेव क्या होती है मियडरिंग पढ़ा है आपने रिवर स्ट्रीम के अंदर मियंडर करती है मियंडर मतलब इस तरीके से सर्किला आकार में चलना जब ये जो जेट स्ट्रीम्स होती हैं जनरली ये स्ट्रेट फॉरवर्ड स्टेज में चलती है फर्स्ट स्टेज के अंदर सेकंड स्टेज के अंदर क्या होता है कि ये इक्विटोरियल एरिया की तरफ मूव करेगी फिर ये पोलर एरिया की तरफ मूव करेगी फिर इक्विटोरियल एरिया की तरफ मूव करेगी तो ये धीरे धीरे मियंडर करना स्टार्ट करती है मियंडरिंग की अगली स्टेज होती है जब इस तरह का प्रेशर एरिया साइक्लोनिक एन एंटीसाइक्लोनिक कंडीशन अगर बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाती है तब ये इस तरीके से सर्पिलाकार आकार में चलती है और इसी सर्पिलाकार आकार को हम बोलते हैं रोजबी वेव्स ठीक है तो ये हो गया रोजबी वेव तो जेट स्ट्रीम क्या होती है रोजबी वेव्स क्या होती है देन वन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ जेट स्ट्रीम इज इनका इंपॉर्टेंस क्या है जेट स्ट्रीम का इम्पैक्ट पड़ता है टेम्परेट साइक्लोन पे टेम्परेट साइक्लोन बहुत स्ट्रोमी और बहुत ही स्ट्रांग होते हैं अगर जेट स्ट्रीम ट्रॉपिकल साइक्लोन के एग्जैक्टली exactly ऊपर है तो वो उसको और भी ज्यादा स्ट्रेंथ देता है लोकल वेदर में चेंज हो जाता है And हो रहा है एल इज लो प्रेशर एच इज हाई प्रेशर लो प्रेशर का मतलब अभी मैंने क्या बताया कन्वर्जेंस हो रहा है ठीक है एंड हाई प्रेशर का मतलब क्या हुआ डाइवर्जेंस हो रहा है तो इस कन्वर्जेंस एंड डाइवर्जेंस इन दी अपर ट्रोपोस्फेयर की वजह से मिक्सिंग होती है जैसे जो हमारे एंथ्रोपोजेनिक पॉल्यूटेंट्स होते हैं वो मिक्स होते हैं इसीलिए तो स्ट्रेटोस्फेयर तक हमारे पॉल्यूटेंट्स चले जाते हैं मिक्सिंग होती है तो दीज आर सम इम्पॉर्टेंट्स ऑफ द जेट स्ट्रीम्स एंड ऑब्वियसली ऑन दी ऑनसेट ऑफ द मॉनसून इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट तो दीज आर द टॉपिक्स वेल टूडे वी विल डू दिस मच इन दी क्लाइमेटोलॉजी ओनली नेक्स्ट वाला जो हम क्लास लेंगे उसके अंदर हम क्लाइमेटोलॉजी के और भी जो ज़्यादा क्वेश्चन हैं उनको हम स्टार्ट करना स्टार्ट करेंगे तो दिस इज़ इट एंड आई होप यू गाइज आर हैविंग अ बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ किस तरीके से प्रीवियस क्वेश्चन को अटैम्प्ट करना है प्लीज़ मैंशन इट इन योर कॉमेंट सेक्शन ऑल्सो एंड टू टेल यू वी एज वी हैव स्टार्टेड दी जियोग्राफी ऑप्शनल फाउंडेशन कोर्स एंड यू कैन ज्वाइन द कोर्स द डिस्क्रिप्शन इज इन द लिंक आप वहाँ से देख सकते हो कुछ सैम्पल लेक्चर्स भी हमने रखे हैं एंड यू कैन डेफिनेटली वॉच द वीडियो एंड इफ यू हैव एनी क्वेश्चन यू कैन ड्रॉप इट इन दी कॉमेंट सेक्शन ऑल्सो आई विल सी यू गाइज इन दी नेक्स्ट लेक्चर जय हिंद